हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है लेकिन उसके पहले हमें आसमां दिखाना है आपको भी एक दिन आसमां दिखाना है यानी एक अपना नया इतिहास रचना है उसके लिए आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा उसके बाद आप उसकी तरफ निरंतर बढ़ते जाओ हर बार किस्मत को दोष देना अच्छी बात नहीं है कभी कभी हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा बढ़ते रहो मंजिलों की और तुम कुछ ना भी मिले तो क्या हुआ तजुर्बा तो नया होगा आपको भी डरना नहीं चाहिए कि जिंदगी में पता नहीं क्या होगा हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ बुरा होगा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ धीरे धीरे सब पॉजिटिव होना शुरू होगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है लाल यानी रेड और शुभ अंक रहने वाला है पांच आसपास और साथ के लोगों से आपको मदद मिल सकती है घर में चहल पहल भी रहेगी कोई सुधार या मरम्मत का काम भी हो सकता है मकान बदलना चाहते हैं तो उस पर विचार हो सकते हैं नई कामों की योजना बनेगी साथ के लोगों से मदद मिल सकती है थोड़ी परेशानियां वाला दिन भी हो सकता है आप कोई भी नया फैसला लेने से बचेगा मानसिक तनाव भी ज्यादा होगा आज आप किसी गलत सूचना के कारण गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं सावधान रहे किसी भी सूचना पर आँख बंद करके विश्वास ना करें आपके घर के नल या पानी का स्रोत मुख्य द्वार से बाईं तरफ पड़ता है तो घर में पीने के पानी की समस्या भी हो सकती है उत्तेजना पर काबू रखें जो सोच रखा है वो काम समय पर होने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कुछ मसले ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल आप ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं सुलझा सकता अपने ईगो और अपने मतभेदों को दूर रखकर अपने काम को प्राथमिकता सबसे पहले दीजिएगा आज कई लोग फैसला लेने के मामलों में आप पर निर्भर भी रह सकते हैं ये तो अच्छी बात है आपके लिए आपके रिश्ते आज आपकी कुछ बातों से प्रभावित हो सकते हैं इसलिए आपको अपनी बोल चाल में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी अपने लोगों के साथ अपनी बातचीत खुले दिल और दिमाग से करें अपनी जो चीजें हैं उनको खुलकर बताइए कि आप क्या चाहते हैं आज जो है चंद्रमा का संचरण और राशि स्वामी मंगल की लाभ भाव में स्थिति बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिति बना रही है ज्यादातर जो ग्रह हैं आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीजें जो हैं किसी भी तरह से आपको मिल सकती हैं इसीलिए फायदा उठाइए सदुपयोग करिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा राशि में स्थित चंद्रमा कभी कभी भावुक स्थिति बनाएगा आज के दिन जिसकी वजह से कोई फैसला डोल भी हो सकता है आलस्य भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई काम भी आपका टाल सकते हैं आप इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा आज स्टूडेंट्स के लिए जो समय है वो थोड़ा मिला जुला कहा जा सकता है आज का दिन जो है आपकी कुशलता और योग्यता के प्रदर्शन के लिए भी हर तरह से अनुकूल दिख रहा है ऐसे योग बने हुए हैं आपको अपने सहयोगियों से तारीफ मिल सकती है और हाँ आप क्योंकि हैं ही इसी के आपके कुछ योजनाओं को लोग सराह सकते हैं आपके लिए समय जो आज का है अपनी निजी उन्नति और आर्थिक सुदृढ़ता पाने का है यानी जो आप चाहते हैं वो आज से ही अभी से शुरू करें तो निश्चय ही सफलता मिल सकती है आपको अपने लोगों को बेहतर तरीके से संभालना होगा इसे आपके रिश्तों में जो है और भी ज्यादा प्रगाढ़ता आने की संभावना दिख रही है आजकल आपका अपने खुद के ऊपर विशेष ध्यान देना आपकी व्यक्तित्व को निखार रहा है आजकल कुछ आप खुद अपनी पर्सनालिटी को निखारने के, अपने अपने साध के लिए अन्य क्षेत्रों में भी के लिए प्रयासरत है वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा आज के दिन आज आप अपनी प्रभावशाली वाणी द्वारा परिस्थितियों को ज्यादा अपने पक्ष में करने के लिए सफल रह सकते हैं यानी आज आप अपनी मधुर वाणी से अपने चीजों से जैसे आप दूसरों को बताते हैं उसे आप काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे जैसे आपके जो काम है वो जल्दी से बनते चले जाएंगे और लोग भी आपकी बात मान लेंगे कभी कभी आपका अत्यधिक स्वार्थी हो जाना मित्रों के साथ संबंध आज बिगाड़ सकता है याद रखिए मित्र बार बार नहीं मिलते इसलिए आप स्वार्थी मत होइए उनसे दिल से रहिए दिल के साथ आप बातें करें आज किसी यात्रा या घूमने फिरने से बचना होगा कहीं भी बाहर मत जाइए खासकर बूढ़े और बच्चे मत जाइए तो बेहतर होगा कोई लाभ तो नहीं होगा बल्कि काम का नुकसान भी हो सकता है अधिक भावुकता से भी आपको आज आपको जो है वो बचना होगा आज जो है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही दिन खास रहने वाला है क्योंकि खास लोगों से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी पुराने दोस्त का आज फोन भी आ सकता है जिसकी वजह से आज का जो दिन है आपके लिए यादगार साबित हो सकता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में पति पत्नी के आपसी संबंधों में आज मधुरता दिख रही है फिजूल के प्रेम संबंधों में अपना समय बर्बाद ना करें यानी कि अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए वरना ऐसे फ्लर्टिंग करने से कोई भी खास फायदा नहीं देखने को मिलेगा उल्टा समय की बर्बादी होगी अपने प्रेमी को उन्हें विशेष महसूस करवाने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत नोट लिखे यानी कि आप सोशल साइट्स के द्वारा भी उन्हें ऐसे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लेटर भेज सकते हैं आज पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण भी रहेंगे घर में मेहमान का आगमन वातावरण को मनोरंजन बना सकता है या फिर कोई खुशी की ऐसी खबर मिल सकती है जिसे वातावरण में खुशहाली छा जाए जैसे मांगलिक का कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है आज अपने अहंकार को अलग रखिएगा क्योंकि यह आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि जहां अहंकार होगा रिश्ते में वहां कभी भी रिश्ता ठहर नहीं सकता इसीलिए रिश्ते को संजोए रखिए जैसे माला में मोती होते हैं बढ़ते हैं आगे हम करियर और बिजनेस की तरफ तो आज करियर और बिजनेस कहता है कि नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी जॉब बदलने के लिए कोशिश ना करें क्योंकि जहां भी जाएंगे परिस्थितियां नहीं बदल सकती हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसी पर कार्य करें जहां पर आप अभी जॉब कर रहे हैं किसी बाहरी व्यक्ति का हस्ताक्षेप ना होने दे अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्ताक्षेप करता है तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है या फिर आपसे बॉस भी नाराज हो सकते हैं आपको काम पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपकी टीम को आपके आसपास रहना बेहद पसंद है अपना कम्युनिकेशन बहुत ही स्पष्ट रखें साफ रखें जिसे दूसरों को समझने में आसानी हो सकती है कार्यस्थल से भेजे गए माल की किसी वजह से वापसी भी हो सकती है किसी वजह से कोई नुकसान छोटा मोटा आपको उठाना पड़ सकता है आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा अपने कस्टमर की थिंकिंग का कस्टमर की डिमांड का अच्छे से ख्याल रखिए तो बेटर रिजल्ट आपको बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बहुत से लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं कस्टमर नए बन सकते हैं नौकरी पेशा व्यक्ति भी ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको बोस की जो है नाराजगी सहनी पड़े इसलिए बोस को कुछ करने के लिए वही काम करें जैसा कि उन्होंने बोला है आपको आपके जो व्यापारिक विचार हैं उनको आपकी भागीदार द्वारा अप्रूव किया जा सकता है फाइनेंशियल मामलों में आप काफी समझदारी से काम लेंगे आज आप काफी हद तक सेविंग्स कर पाएंगे चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे वो बिजनेसमैन है काफी हद तक सेविंग्स होगी जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों को जो है बहुत ही फायदा देखने को मिल सकता है तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्वास्थ्य की तरफ आज जो है आप में से काफी हद लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेटर और ठीक रहेगा थोड़ी आलस की स्थिति बनी हुई है ऐसे सितारे कह रहे हैं और आराम ज्यादा करने का मन भी हो सकता है लेकिन ज्यादा आलस शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दाल से रिलेटेड समस्याओं का इलाज आज आप करवा सकते हैं जिस बीमारी से आप पहले से परेशान थे वही आज मौसम के बदलाव की वजह से भी सिर में भारीपन हो सकता है वैसे तो स्वास्थ्य ठीक है चिंता ना करें शरीर में गर्मी हो सकती है जिसकी वजह से जो है आप बहुत ही अजीब सा महसूस कर सकते हैं इसलिए आपको ठंडी चीजों पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए टखने की मोच उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है आप में से कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द भी आज हो सकता है इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय के बारे में आज आपके लिए विशेष उपाय तो सबसे पहले ये रहेगा कि आज आपको गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए और साथ ही साथ में अगर आप हल्दी और चंदन का तिलक अपने इष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसको लगाते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा साथ ही साथ में अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कीजिए मैं हमेशा से हर बार यही कहती हूं कि दान गुप्त करें और हां अगर आप दान अन्न का करते हैं तो बहुत अच्छा होगा